एक बार फिर से डीडी फ्री डिश की ओर से झटका दे दिया गया है और एक और चैनल MPG2 के स्लॉट से बंद कर दिया गया है। डीडी फ्री डिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो किसी भी चैनल को हटाने से पहले किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। डीडी फ्री डिश को एक ऐसा प्रोमो चैनल भी तैयार करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, जिसके अंदर सभी तरह की जानकारी कस्टमर को पहले ही दे दी जाए कि भाई ये चैनल जो है वो आपके लिए इस तरीके से आने वाला है, ई ऑक्शन में चैनल ने जो है स्लॉट जीत लिया है और इस चैनल को जो है डीडी फ्री डिश की ओर से इस तारीख से बंद कर दिया जाएगा। तो ग्राहक जो है वो पहले से सतर्क रहता है, ग्राहक को पहले से सूचित रहता है कि भाई ये जो चैनल है वो हमारे लिए आने वाला है और ये जाने वाला है। लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसी कोई सर्विस डीडी फ्री डिश की ओर से नहीं दी जाती, इसीलिए हम सभी तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आपके बीच ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जो है वो भी हमारा साथ देते हैं और वो भी कहीं ना कहीं हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। जैसे कि हमें भी कुछ कमेंट्स यहाँ पे मिले हमारे व्यूवर्स के, हमारे सब्सक्राइबर्स के, जिन्होंने हमें ये सूचित किया कि एक हिंदी न्यूज चैनल जो है वो डीडी फ्री डिश को छोड़कर जा चुका है। कि जितने भी चैनल्स हमें अभी हाल ही में रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी असल वजह क्या है, चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप नाम जान लीजिए। तो चैनल का नाम है इंडिया डेली लाइव। ये कुछ ही समय पहले डीडी फ्री डिश के साथ जुड़ा था। ये हिंदी नेशनल न्यूज चैनल है, जिस तरह से आपके लिए आज तक है, NDTV इंडिया है, ABP न्यूज है, ऐसे कई चैनल जो हमारे लिए और भी चल रहे हैं उसी तरीके का ये भी एक न्यूज चैनल था। और मेरे ख्याल से 6-7 महीने या इसके आसपास ही जो है ये चैनल आराम से डीडी फ्री डिश में सर्वाइव कर चुका था। अब हाल ही में जो चैनल को हटाया गया है, रिमूव किया गया है, तो उसकी वजह क्या है? तो देखिए उसकी वजह यही है कि इंस्टॉलमेंट नहीं पे की गई है। डीडी फ्री डिश जो है सालाना ई ऑक्शन के जरिए चैनलों को जोड़ तो लेता है, लेकिन उससे सालाना फीस एक ही समय पर नहीं ले लेता, वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर लेता है। जिस तरीके से हमारी EMI होती है ना, उसी तरीके से इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो है डीडी फ्री डिश की ओर से हर एक चैनल से हर महीने ली जाती है। अगर वो समय पर पहुंच जाती है तो चैनल बना रहता है, और अगर वो समय पर नहीं पहुंचती तो वो चैनल बंद हो जाता है। और यहाँ पर इंडिया डेली लाइव की ओर से या कुछ समय पहले PR TV की ओर से भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, चैनल जो है छोड़ चुका था। इवन Popular TV भी बीच में ड्रॉप हो गया और उसने एक बार फिर से जो है सेटलमेंट वापस कर ली है, पेमेंट डीडी फ्री डिश को पे कर दी है, तो वापस रिज्यूम हो गए। अब इंडिया डेली लाइव को रिज्यूम होना या ना होना दोस्तों उनके हाथ में है। फिलहाल तो ये चैनल बंद हो चुका है और इसके जगह पे टेस्ट स्लॉट भी रिप्लेस हो चुका है, तो फिलहाल जल्दी से चैनल के वापस लौटने की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। लेकिन ये चैनल रिमूव हो क्यों रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी क्या वजह है? तो दोस्तों सबसे बड़ी इसकी वजह है करेज फीस। डीडी फ्री डिश की ओर से जो अभी हाल ही में पेमेंट जो सिस्टम चल रहा है, बिड प्राइस चल रहा है, वो बेस ज्यादा चल रहा है और जितने भी ब्रॉडकास्टर्स है दोस्तों उनको इतना प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है। डीडी फ्री डिश की जनता शायद इन चैनलों को ज्यादा देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि न्यूज चैनल्स तो आपको पता ही है कि इतने सारे हैं और इतने न्यूज चैनल्स के बीच में कॉम्पिटिशन देना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो यही वजह रहती है कि डीडी फ्री डिश की जनता जो है वो शायद इंडिया डेली लाइव को इतना फोकस नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इंडिया डेली लाइव को रियलाइज हुआ है कि भाई डीडी फ्री डिश में पैसे लगाना व्यर्थ है, पैसा वेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रॉडकास्टर हो, वो वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको कुछ प्रॉफिट आने की भी संभावना होती है। डीडी फ्री डिश भी एक प्रॉफिट जो है DTH प्लेटफॉर्म है, जहां पे फ्री टू एयर में कस्टमरों को ये चैनल पहुंचाता है और कस्टमर की ओर से जो है इनको अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल जाता है। लेकिन जब चैनल की रीच ज्यादा ना पहुंच पाए, डीडी फ्री डिश की जनता शायद इन चैनलों को ना देख पाए, तो उनको डीडी फ्री डिश से भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है और उस चैनल को मजबूरी में बंद करना पड़ जाता है। इवन PR TV के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, PR TV को भी नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने डीडी फ्री डिश से एग्जिट ले लिया और इसके मुताबिक इन्होंने टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी में अपने आप को पार्टिसिपेट करवा दिया। तो दोस्तों उनको डीडी फ्री डिश की जो पेमेंट इतनी ज्यादा देनी पड़ रही थी, वही पेमेंट उन्होंने टाटा प्ले और एयरटेल को दे दी है और वहां पे वो देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या शायद यहां से हमें कुछ प्रॉफिट आने की उम्मीद है या नहीं। अगर वहां से भी उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा तो वहां से भी जल्दी रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों ये कुछ सिस्टम रहता है कंपनीज का, जिसकी वजह से चैनल हमारे लिए आते हैं या जाते हैं। और डीडी फ्री डिश को भी कुछ रियलाइज करना चाहिए कि पिछले कुछ ई ऑक्शन को हम देखें तो सभी के सभी खाली जा रही है, फेल हो रही है। उसका कारण भी यही है कि पेमेंट जो है वो डीडी फ्री डिश बहुत ज्यादा लेना चाहता है, जबकि ब्रॉडकास्टर इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। डीडी फ्री डिश को थोड़ी सी रकम रिड्यूस कर देनी चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो भी अपने नए चैनलों को देख सकें और डीडी फ्री डिश को भी नए चैनल्स मिल सकें। थोड़ा ही सही, कुछ पैसा तो आएगा, ना आने से तो बेहतर ही है ना। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली हाथ बैठे हैं, लेकिन अगर कुछ पैसा आ भी जाएगा और कुछ समय अगले चैनलों के स्लॉट दे भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से इनको पॉलिसी रिवाइज जरूर करनी चाहिए।